ਲੱਕ 28 ਲੱਕ ਬਾਡੀ 88 ਕੁੜੀ ਦਾ 88 ਹੈ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ 88 ਹੈ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੈਸ਼ ਲਾਈਵ ਹੈ ਕਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੈਸ਼ ਬਾਈ ਕਾ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਲੱਕ 48 ਕੁੜੀ ਦਾ 88 ਹੈ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ 88 ਹੈ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਓਵਰ weight ਬੰਦੀ OBs ਬੰਦੀ ਓਵਰ weight ਹੈ ਓਵਰ weight ਹੈ OBs ਹੈ ਬੰਦੀ ਪੂਰੀ भैंस ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਇਸ 48 ਐਂਡ 88 ਇਸ ਵੇਟ ਯਾ लक इज फोर्टी एट कुड़ी दुड़ी कुड़ी मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ना वो थोड़ी ये दो पहले तो तुम ऐड थोड़ी इनसिक्योर थी अपनी बॉडी टाइप को लेके क्योंकि वो स्कूल में ना बहुत ज्यादा पतली थी और कॉलेज में आते आते कोविड के बाद वो थोड़ी मोटी हो गई तो शी वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट इट तो जब भी मतलब वो मतलब कुछ ऐसी बातें बातें चल रही होती थी ना और वो मतलब एटीट्यूड ज़्यादा देने लग जाती थी तो फिर मैं ये ज़्यादा गाना लग जाता था लक्स ट्वेंटी एट कुड़ीदा फोटी सेवन वेट कुड़ीदा 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 फोर्टी सेवन मैं सही में कह रहा हूँ अगर आपकी बंदी थोड़ी सी इंसिक्योर है ना अपनी बॉडी को देख अपनी बॉडी को लेके उसकी ना आँखों में आँखों में आँखें डाला करो और उसके बाद लक्स ट्वेंटी एट कुड़ीदा फोर्टी सेवन वेट कुड़ी दा, 47, wait, कुड़ी दा, कुड़ी दा भी कर करना है भाई <laughs> किया brave पे देख रहा हूं बहुत बढ़िया भाई मजा आ गया भाई 108 किलो की साउंड भाई मैं मैं सही बताऊ ना तुम लोग ही हो भाई पतली लड़की चाहिए ये चाहिए भाई मुझे ऐसी चाहिए मुझे चाहिए औरत मुझे चाहिए औरत जो भाई मुझे गोदी बहुत हो गया भाई मुझे चाहिए अब गोदी मुझे चाहिए गोदी भाई बहुत हो गया भाई मैंसडे को ही रो सकते हैं ये सब अब चाहिए मुझे एक औरत जो मुझे दे गोदी कहाँ है? कहाँ है? मैम मैं मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से मैं इंडियन गवर्नमेंट से आज पूछ रहा हूँ कि मेरी गोदी कहां है मेरी गोदी कहां है दही चाहिए अच्छा भाई ठीक है मुझे सुपर चैट चाहिए बट यू नो है भाई बिल्कुल भाई बात तो है मैंने कल यूट्यूब पे बैठा था आज YouTube पे बैठा था और मैंने ना एक बहुत ही प्यारी कैंट चीज़ देखी भाई बहुत ही कैंट चीज़ रुको ज़रा रुको 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 थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट देता हूँ मैं आप लोगों को ठीक है मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जब दो पार्टीज एक मतलब कॉन्टेक्स्ट ये चीज़ होती है कि मतलब बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऑफ द थिंग हमें भी दिखाओ दिखा रहे हैं वीर जी आपको दिखा रहे हैं सर क्या बात कर रहे हो तो अब हम करने वाले हैं सीन टू यस हम आते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं ठीक है आओ आपको दिखाता हूँ कुछ मैं फूजी गैंग ठीक है अब हम आते हैं फूजी गैंग इस पे आते हैं सेक्टर अट्ठाईस अब हम आते हैं न्यू कमेंट्स ठीक है न्यू कमेंट्स में मैं गया मैं ऐसे ही देख रहा था भाई कि कमेंट्स पढ़ते हैं भाई कि क्या चल रहा है क्या है क्या सीन है लोग लिख रहे हैं भाई है ना और एक बंदे का आया भाई हेलो भाई जी लिरिक्स तो एकदम आग हैं ब्रो मैं भी एक हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ क्या तुम तो मेरे साथ कर, करोगे ब्रो प्लीज़ मजा आएगा भाई आग लगा देंगे हम देखो मेरे पास जब भी कोई मेरे से अगर कोई पूछता ना कोलैब करते हैं या फिर ये करते हैं मैं हमेशा देख लेता हूँ मैं हमेशा देख लेता हूं भाई कि क्या सीन है किसने क्या भेजा है कौन है वो बंदा और तो मेरी नजर ना इस बंदे पड़ी और मेरे ना मेरे, मेरी आंखें खुल गई भाई मेरी आंखें खुल गई भाई ये आर एम सी है भाई इस बंदे का नाम इमरजिंग हिप हॉप आर्टिस्ट तो आज हम भाई कोलैब के लिए देखते हैं भाई आर एम सी क्या आप बताना मुझे कि क्या मेरे को इनके साथ कोलैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप बताना मुझे ठीक है तो आर एम सी भाई ने तीन गाने निकाले हैं ठीक है तीन गाने निकाले हैं जिसमें से एक शायद फैन मेड है कुछ तो सबसे पहले हम देखेंगे ये, ये। दे। आया था फैलाने को दुनिया में नाम सब कुछ काम में दुनिया भी बोले बड़ा वाला है हराम ये। करता रात शुभ शाम में

माई मदर हैड आई होप फ्रॉम मी इससे ज्यादा इंग्लिश मुझे नहीं आती आई आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास इनकम फैमिली डीएचए एक बंद ने तीन बार्स में डिस्क्राइब कर दिया भाई पूरा देसी हिप हॉप इसने डिस्क्राइब कर दिया तीन बार्स में आई वुड से दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग इज अ स्ट्रॉन्ग एट आउट ऑफ टेन

एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तुम हेट फैन तो एडिट भाई फैन एडिट फैन एडिट भाई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू आर एम सी भाई ठीक है तो हम जाते हैं अब भाई दूसरे वाले पे ये गाना भाई आई वुड से इज द बेस्ट सॉन्ग दैट आई हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम ठीक है सारे आ जाओ भाई चैट में ठीक है ध्यान से सुनना ये गाना वो है भाई जो मतलब डिफाइन करने वाला है इंडियन हिप हॉप को हाँ मेरे भाई तो तू क्या कह रहा था कि मैं रैपर नहीं हिप हॉपर नहीं बेटा मैं कलाकार हूँ करता मैं शब्दों से वार हूँ तुझे हिप हॉप का एच भी पता है क्या तुझे मेरे एल का कैप भी पता है <laughs> ये साई एक्सपोर्ट्स में काम करता है किसी एक्सपोर्ट्स की दुकान में काम करता है और खाली टाइम में जॉब के बीच में भाई मैं इसके इसके मालिक को बता दूं ये खाली टाइम पे क्या करता है <laughs> 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 क्या अब तू बताएगा कि कैसे लिखते हैं पहले ये सीख कपड़े कैसे बिकते हैं <laughs> <खेरा कर? laughs> पहले कैसा कैसा करे गाने से पहले कपड़े बेचना सी <laughs> जिंदगी में मैंने बहुत खेल खेले हैं तेरे जैसे तो बेटा बहुत मैंने खेले भाई क्या बीट है तूने तो झेले हैं किसके खेले हैं लगे मेले हैं मेले में घूम अमीर <laughs> या चूनी चूज भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वादा करता हूँ बेटा मुँह में नहीं हाँ मेरे तो भाई तो तू क्या कह रहा था भाई तो तू क्या कह रहा था ये तो घटिया गाना बज रहा है भाई आर भाई सी right भाई यूर ऑन द राइट ट्रैक भाई टेन आउट ऑफ टेन सॉन्ग भाई टेन आउट ऑफ टेन सॉन्ग आ मेरे भाई क्या कह रहा था वंस मोर भाई वंस मोर कह रहे भाई लोग हाँ मेरे भाई तो तू क्या कह रहा था, रैपर था। नहीं। <laughs> <laughs> मैं रैपर नहीं हूँ हाँ पर नहीं हूँ है कि मैं कपड़े बेचता हूँ कि मैं यहाँ से जो कपड़े नहीं बिके वो चुरा के ले जाता हूँ कपड़े पहन के और उसके बाद संडे मार्केट में एक सेंटरों के ऊपर लगाता हूँ नौ से ग्यारह हर हफ्ते है ये कह रहा था तू तो ये सुन पर नहीं बेटा मैं कलाकार हूँ कर... बेटा मैं कलाकार हूँ ठीक है शब्दों से वार हूं तुझे हिप हॉप का एच भी पता है क्या भाई पहले तो भाई मुझे ये बताओ ये जो ये एक लोग होते हैं ना कुछ ही बोलते हैं तुझे हिप हॉप का एच नहीं पता मतलब हर वर्ड जो होता है उसकी कोई एब्रीविएशन होती है क्या हिप हॉप है तो एच का एक, एक और मतलब होगा आई, आई का, का कुछ मतलब होगा तो ऐसे तो हर कुछ भी पढ़ रहे हो कुछ भी जान रहे हो उससे पहले तुम्हारे को उसके पहले अक्षर का मतलब जानना होगा ये ये तो थो थोड़ा वो है भाई मतलब दिस इज टफ टफ सब्जेक्ट हैप्पी बर्थडे भाई आज नहीं है तुझे मेरे अलका पता है क्या अब तू बताएगा कि कैसे लिखते हैं पहले ये सीख कपड़े कैसे बिकते हैं आई थिंक द हार्डेस्ट द हार्डेस्ट बार दैट आई हैव एवर एनकाउंटर्ड इन माय लाइफ वाज फर्स्ट अ लाइन बिटवीन टू डॉट्स आई गॉट द विजन ठीक है दैट वाज लिल वेन उसके जस्ट नीचे इज आर एम सी है क्या तुझे मेरे एल का कैप भी पता है क्या अब तू बताएगा कि कैसे लिखते हैं पहले ये सीख कपड़े कैसे बिकते हैं कुछ लोग होते हैं ना भाई मतलब एक ना हिप हॉप का रूल होता है भाई कि ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ इन दैट्स डूइंग दिस इज इज रियालिटी भाई. बार्स भाई इससे ज्यादा रियल कोई शिट हो ही नहीं सकती इससे ज़्यादा इससे ज्यादा रियल कोई शिट हो ही नहीं सकती ये है भाई ये है रियल हिप हॉप असल में हिप हॉप यही है भाई रियल हिपहॉप लोग जो बोलते हैं ना कि भाई हिप हॉप में आजकल कोई रियल बात है। ये है भाई रियल हिप हॉप तू सुनना चाहता है ये बता है तेरे में हिम्मत ये सुनने की सुन पाएगा तू ये मैं तो सुन लूंगा भाई मैं तो रियल हिप हॉप सुनता हूं और मैं सुन भी रहा हूं या फिर तुझे नकली लोग चाहिए जो बोले कि भाई हम यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं क्योंकि वो नहीं वो नहीं है असल चीज ये असल चीज जिंदगी में मैंने बहुत खेल खेले तेरे जैसे तुम मैंने खेले। बीट देख रहे हो भाई हैं तो झेले हैं किस किस के केले हैं लगे मेले हैं मेले में घूम आ मेरा चूज भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वादा करता हूँ बेटा मुँह में नहीं हाँ मेरे भाई वादा करता है भाई मुंह में नहीं जड़ेगा भाई मैं बीमा करा के आया हूं मेरा नहीं होगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मैं भाई मेरी एफडी करवा लो भाई मैं कसम खा रहा हूँ भाई अगर मेरा मुंह अगर मेरा मुंह में जड़ गया ना तो मेरी माँ मर जाएगी भाई मैं कह रहा हूँ भाई, भाई मैं कह रहा हूँ भाई मैं कसम खा रहा हूँ भाई मेरा बच्चा मर जाएगा भाई मैं बच्चे पे हाथ रख के कह रहा हूँ मेरा बच्चा मर जाएगा अगर मेरा मुंह में चढ़ गया तो गॉड प्रोमिस है भाई भाई भगवान मर जाएगा भाई अगर मेरा मुंह में झड़ गया तो ओ oh. oh, भाई तो तू क्या कह रहा था तो तू क्या कह रहा था भाई ये बढ़िया अंदर लगा भाई आई नीड मोर शिट फ्रॉम यू भाई अरन भाई आई नीड मोर फ्रॉम यू आई लव वॉट यू हैव पुट आउट मजा आ गया भाई मजा आ गया ये ऐसे गाने कम क्यों हैं भाई इंडियन सीन को ऐसे गानों की जरूरत है भाई जेन्यनली आयो भाई अब बातें करते हैं थोड़ी बहुत इधर उधर की पी लेता हूँ कभी कभी मैं <laughs> क्या कह रहा है भाई भाई शादी का कहना खाना खाया मज़ा आ गया बंदी पटवाते <laughs> हाँ भाई अभी रिसेंटली मैं भी एक शादी में गया था भाई मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरी मम्मी को मिला कार्ड ठीक है मम्मी को मिला कार्ड अब मेरी मम्... मैंने ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मेरी मम्मी ना कभी कभार गऊ हो जाती है उनको आदत है कि 50 परसेंट वो इन्फॉर्मेशन बस पढ़ लेती है और उनको लगता है 50 परसेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने पढ़ा उससे इम्प्लाइड ही है मेरे को समझ ही आ गया होगा ठीक है ना तो भाई हम लोग गए हैं भाई शादी में ढूंढ रहे हैं मैं और मेरी मम्मी को जाना था तो पहले तो हम लोगों ने कार्ड उठाया हम लोग लोकेशन पर पहुंचे वो शादी थी नहीं किसी और की चल रही था कुछ और ही चल रहा था वहां पर किसी की ट्वेंटी एनिवर्सरी चल रही थी मम्मी ने देखा ही नहीं बोलते नहीं इधर ही है हम घुस गए घुस गए हैं तो मेरे ना एक बड़े भैया है पांच साल बड़े हैं उनकी शादी थी मम्मी ने पता नहीं किसको देख लिया वहां पे देख नहीं वो देखो उसकी बहन मानसी जा रही है वो देखो जाके बात करो जाके बात करो मैं बोला बहन चो कौन मानसी क्या मैं, क्या मानसी ऐसी मिस जयपुर का बारे हो भाई शो के लिए आ जाऊंगा भाई क्या मानसी भाई किसी की ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी चल रही है तुमने ऐसी ढूंढ लिया फिर मैं मम्मी को बोल रहा हूँ नहीं मम्मी शायद हम गलत आ गए हैं नहीं यार हम गलत नहीं आए तुम देखो तो पूछो तो किसी से मैं पूछा भैया ये क्या है शादी तो नहीं है बेटा शादी तो हो गई पच्चीसवीं साल की राय भाई एक तो होता है शादी में घुस जाना कार्ड लेके हैं कार्ड भी नहीं था हम पे शगुन ही था कार्ड मम्मी घर रख के आई मैं और मम्मी हाथ में शगुन लेके किसी की पच्चीसवीं सालगिरह में घुसा है मतलब क्या बोलू बिन बुलाए बाराती भी नहीं रहे भाई हम बस खड़े हैं वहां पे फिर मैं बोला दूसरी वाली में होगा तो फिर मम्मी कहती नहीं आसपास ही है ढूंढो ढूंढो हम बाहर से निकले एक और पता नहीं भाई किस्मत का करिश्मा देखो भाई हम निकले एक और बारात जा रही मम्मी कह रही लो यही तो है लो यही तो है मैंने भाई मैं देख रहा हूं भाई मैं जानता हूं उस आदमी को जिसकी शादी हो रही है उसकी शक्ल ऐसी नहीं है थैंक यू स्मोक भाई नहीं यही है अब उस ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी से निकल के किसी और की बारात में घुस गए चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं लोकेशन खोली कार्ड में फोन से जॉय को बोला जॉय मैं नहीं जानता कार्ड की मेरे को दे मैसेज मेरे को कार्ड भेज भाई मेरे को कार्ड भेज, को कार्ड भेज मैसेज करके फोटो खींच के जॉय ने भेजा उसमें लोकेशन में है ही नहीं वो लोकेशन नहीं यही है चलो ठीक है भाई हम जाते हैं वहां पे देख रहे हैं किसी और का ही नाम है वहां पे राजीव वेड श्वेता आ रहा है जिसकी शादी है नहीं अब मैं बोल रहा हूं मम्मा ये क्या है फिर फिर मम्मी सुनो गुगुल तुम पापा को मत बताना जो आज हुआ अब घर चलो मैं बोला क्या घंटा घर चले बोला कि हम आ रहे हैं और उसके बाद ऐसे करेंगे हम क्या नहीं है भाई असल में हुआ है ये फिर गए हैं हम दूसरी जगह पे और एक तो भाई मेरी मम्मी को ना पार्किंग लगवानी थी ठीक है मैंने बोला मम्मा गाड़ी पूरी गली खाली है अंधेरा है कुछ नहीं होगा कहीं पर भी लगा सकते हो गाड़ी कुछ नहीं है नहीं नहीं तुम्हारी जब गाड़ी आएगी ना तब तुम समझोगे क्या समझूंगा खाली जगह पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी मेरी गाड़ी आएगी भाई मैं तो हाईवे के बीच में छोड़ के आ जाऊंगा जगह मिलनी चाहिए भाई ब्रेकअप <laughs> हो गया वैलेंटाइन पर सैड <laughs> चलो आते हैं भाई ब्रेकअप हो गया वैलेंटाइंस पर भाई पहले ये सीख <laughs> ये कपड़े कैसे बिकते हैं <laughs> <laughs> आंटी <laughs> भाई सपोज कर अगर तेरा वैलेंटाइन पर ब्रेकअप हो गया तो तू झूठ बोल रहा है वेलेंटाइन में आने में टाइम है अभी बट अगर कोई बंदी इतने रिसेंट टाइम में तेरे साथ ब्रेकअप कर रही है ना वेलेंटाइन से आसपास तो उसको मतलब बेसिकली ये मतलब उसको ना ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में ये वैलेंटाइन स्पेंड करना उसे वर्थ इट नहीं लगा समझ रहे हो तुम थोड़ी दाढ़ी बाड़ी बनाया करो यार थोड़े हैंडसम लगा करो कि मतलब फोटो वोटो में अच्छे लगो उसके साथ पोल्स आगे बट पोल्स. <laughs> हाँ भाई इफ यू वॉन्ट योर वुमन टू स्टे लुक एस्थेटिक विद हर लाइक जब फोटोस खिंच रही होती है इफ यू लुक एस्थेटिक और इफ यू लुक हैंडसम विद हर शी विल स्टे बिकॉज एज अ बॉयफ्रेंड बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में देने को एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव इज लुक प्रिटी एज एन एक्सेसरी टू योर गर्लफ्रेंड समटाइम्स आज अपनी मम्मी को पूछा क्लान सुनाया थैंक यू भाई मैं तो नहीं सुना सकता अपनी मम्मी को अपने गाने मम्मी पूछती आजकल तुम कुछ काम कर रहे हो मैं किस मुंह से बोलूं भाई मैं ऐसे गाने बना रहा हूं भूषा इंक्लैन तेरी बहन को दे धक्का <laughs> बेने गाड़ी मूडी फाइव कराई हुई है भाई क्या रियल थी भाई ऋषु ने आज डाली थी अपनी स्टोरी पे गर्ल्स हमेशा विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं पता नहीं भाई आप हमेशा मेट्रो के पहले डिब्बे में जाके अपनी मम्मी को क्यों ढूंढते हो जबकि आपकी मम्मी है भी नहीं उस डिब्बे में बताओ आप मेट्रो के पहले डिब्बे में जाके ये क्यों बोलते हो मुझे ड्राइवर से बात करनी है ये बहुत ख़राब चल रही है गाड़ी आई नीड टू टॉक टू द ड्राइवर क्यों करते हो आप सागर रत्ना में जाके ये क्यों बोलते हो नॉन अच्छा नहीं है यहाँ का क्यों बोलते हो आप ये आप चलती गाड़ी से जब चलती गाड़ी से उतरने की जब कोशिश करते हो तो फिर आप उससे निकलते निकलते आप ये क्यों बोलते हो कि थैंक यू थैंक यू फॉर द ट्रिप खुले रख लेना अर्पित भाई आप पढ़ाई करते हो क्या भाई तेरे को लगता करता हूं खुद सोच भाई खुद सोच भाई गर्ल हमेशा वुमेन कार्ड क्यों खेलती है तूने सबसे इलीगल चीज क्या की है मैंने एक अंकल को कन्विंस कर दिया था अपनी एफ डी तोड़वा ले बोस के स्पीकर लेने के लिए <laughs> नहीं मैंने कन्विंस कर लिया था बोस के स्पीकर ले लो बट उनकी हालत देख के लग नहीं रहा था कि वो अफोर्ड कर सकते हैं पर उन्होंने कर लिया था तो मुझे लग रहा था उन्होंने एफ डी तो तुड़वाई होगी नीड मूव ऑन मोटिवेशन ब्रो स्टोरी ऑफ योर मूव ऑन मोटिवेशन चाहिए आपको भाई मूव ऑन करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता मूव ऑन करने के लिए ना आपको रॉक बॉटम हिट करना होता है आपको एटलीस्ट दो साल जिंदगी के खराब नाले के आसपास बिताने पड़ते हैं नशे में जाओ नाले के उपास गिरो, इधर गिरो उधर गिरो उठो दाढ़ी हो रखी है पूरी तुमसे स्मेल आ रही है लोग तुमसे आप आप करके बात कर रहे हैं बट दो मीटर दूर से आप प्लीज उधर ही रहिए ना हम बात कर रहे हैं तब मेरे को लगता है कि मूव ऑन सही में हो सकता है मोटिवेशन और ये सारी चीजें ना कहे ही की होती हैं जब जैसी आदमी रॉक बॉटम करता है ना हिट तभी वो कर पाता है मूव ऑन मेरे हिसाब से एग्जाम चल रहे हैं फट रही है वंशिका कह रही है। अगर देखो आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपकी फट रही है ना एक्सेप्ट कर लो एक चीज होती है उसका नाम होता है रीटेस्ट उसकी तैयारी करो भाई तीन हजार इकट्ठे कर लो भाई कि अब रीटेस्ट देना है भाई तू तो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत रिस्पे... मैं मैं सही ही बताऊँ मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं मैं बाई गॉड कह रहा हूँ अगर मेरी पता नहीं व्हाट्सएप ऑन था अगर अगर बाई गॉड मेरी वाइफ मेरे पे हाथ उठाए मैं मज़े मज़े सह लूँगा स्माइल करते हुए आई माइट कम ऑल्सो अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे बने थोड़ी टिप्स दो अगर आपको अच्छा बॉयफ्रेंड बनना है सही बताऊ ना अगर किसी बंदी को अच्छा आपको टेंटें सुननी पड़ेगी सिंपल और अपनी टेंटे नहीं करनी शेयर बस औरतों को ना बहुत गुस्सा आता है जब उनको ऐसा पता चलता है ना कि मेरे को यहाँ पे घुस के इसकी माँ बनना पड़ रहा है दिस इज अ कनड्रम होता है बहुत सारे लड़कों को लगता है कि अब बंदी बन गई ये तो माँ तो बनी सकती है थोड़ी सी तो माँ बनेगी मेरी बट नहीं यू हैव टू बी योर ओन पेरेंट एंड हर्स ऑल्सो भाई नाइन्थ क्या लिखा है भाई लीक्ड क्या लीक्ड एससी मिस कहां हुई है थैंक यू रोहित भाई अर्पित बॉयफ्रेंड बुली टिप्स क्या बुली टिप्स तुम भाई क्या हाउ डू आई परसू अ हिंट फ्रॉम अ गर्ल विदाउट कमिंग अक्रॉस एज अ क्या हाउ डू आई परसू हाउ डू आई परसू अ हिंट फ्रॉम अ गर्ल विदाउट कमिंग अक्रॉस एज अ सिंप अच्छा मतलब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं फर्स्ट कि मतलब मैं कैसे समझूं कि ये हिंट दे रही है और उसके बाद कैसे अप्रोच करूं कि ऐसा ना लगे कि मैं सिंपू आपने बताओ क्या करना है सबसे पहले तो मतलब अगर आपको ये देखना है कि हिंट है या नहीं तो सबसे पहले आपने क्या करना है फॉर्मल्स होते हैं ना फॉर्मल्स फॉर्मल्स ले लेने और फॉर्मल्स uh, ले लेने टाई ले लेनी है आपने फिर अपने बाल से ऐसे मांग लगा के ऐसे करनी है और उसके बाद ना आपने लेना है इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम आता है वो देना और वो क्लियर करना है फिर बंदी के घर जाना है बेल बजानी है अगर उसने बेल बजाते देखा उसने कि बोला आपकी शक्ल देखी और आपने बोला नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए क्या कर रहे हो तो इसका मतलब पक्का वो इंटरेस्टेड तो थी ही नहीं अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो बोलेगी अच्छा आओ अंदर हाँ हम बात करते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस एजेंट से कोई भी बात नहीं करने को रेडी होता मेरे हिसाब से तो अगर आप यह करते हो और बंदी आपसे मानती तो फिर मैं सही में हूं इंप्लाइड कंसेंट है उस केस में मैं कह सकता हूं हां इंप्लाइड कंसेंट जैसी चीज हो सकती है यह एक एक्सेप्शन टू द रूल है कि यस मींस यस नो मींस नो बट नहीं इस वाले केस में साइलेंस आल्सो मींस यस अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो और उसने आपको घर के अंदर बुला लिया है आ, आ, ये जज करने के लिए अब इसका मतलब आप ये नहीं कर, इस कंसेंट को आप यूज़ करके उल्टी सीधी हरकतें करें इसको यहाँ तक ख़त्म करते हैं बस ठीक है भाई अपने से सुंदर बंदे की बेजती कैसे करें अगर बंदा आपसे ज्यादा सुंदर है तो ये समझ लो कि मतलब डिपेंड करता है आप कितने गंदे दिखते हो समझ रहे हो ना मतलब अगर आप ठीक ठाक दिखते हो और बंदा सुंदर है आपसे तो फिर मतलब तो फिर तो आपको बेजती करनी तो आपको कुछ नहीं कहना आपको बस ये बताना है कि भाई तेरे नंबर कैसे आते हैं क्योंकि सुंदर लड़के ना पढ़ाई बढाई में ठीक नहीं होते मेरे को तो नहीं लगता उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं होता जिंदगी में कुछ काम करने का यूएसए जा रहा हूं ब्रो शॉर्ट आउट दे देर यूएस जा रहे हैं भाई ये इनको शाउट आउट चाहिए भाई इनको प्रोत्स इनको इनको वो चाहिए भाई थोड़ा पुश चाहिए लोगों से भाई मैं यूएस से जा रहा हूँ याद रखना मुझे <laughs> भाई सुपर चैट कैसे रिफंड करवाएं एक और भेज के थैंक यू सो मच भाई नितिन भाई कहानी सुना कौन सी कहानी भाई है ही नहीं कुछ कहानी मेरे पास आई एम आउट ऑफ कहानीज़ आई एम डन विद कहानीज भाई आई एम डन विद कहानीज मेरी कहानियां सब खत्म हो चुकी हैं हम्म भाई टॉम बॉय गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं मेरी ना एक लाइन है हाँ जी हाँ जी दे दो माइक पे लाइट पे बोलना मत रुक जाओ हाँ जी हाँ जी दे दो माइक पे लाइट पे बोलना मत कुछ तो बोल दे गुनगुनाई देती मेरे गाने सुन के रट के बैठी मेरे वर्से सारे बंदी बॉयकट रैपर इस पे लाइने लड़कों की पर गाती गाने सिर्फ मेरे वाले तो अगर आपको टॉम बॉय गर्लफ्रेंड पटानी है यू जस्ट हैव टू बी मोर देन हर अगर आपको टॉम बॉय टॉम बॉय लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है अगर आप उनके सामने जाके ना चीजें उठाते हो टॉम बॉय लड़की ऐसी कुछ जा रही है आपने बस गया आपने गटर का ढक्कन उठा लिया उसके सामने और वो ऐसे प्रॉपर फॉर्म के साथ स्नैच वाला जैसे होता है ना बॉडी बिल्डिंग में गटर का ढक्कन उठा लिया पार्किंग में जैन थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी उल्की जो उठा के ऐसे रख दी किसी की बाइक लगी हुई है ऐसी बस हटा दी थोड़ी सी एक हाथ से ये सारी लड़कियों को ना टॉम्बॉय लड़कियों को ये बहुत पसंद है वन मैन सक के वीडियो चलाना नहीं उसपे घपा धप से मेरा कॉपीराइट लग जाएगा बट वन मैन सक को देखो यार बहुत बढ़िया आदमी है यार बड़े टाइम से कुछ निकाला नहीं वन मैन सक शर्ट आउट टू वन मैन सक भाई आह। क्या हो गया एक और सुपर चैट आई थी क्या भी? पता नहीं आई थी कि नहीं आई थी एल भाई आपको घोष स्टोरीज मेरे पास है ही नहीं यार कुछ घोष स्टोरीज में क्या सुनाऊंगा आपको भाई क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग टॉम गर्ल कैसे बने देखो अगर आपको टॉम गर्ल बनना है ज्यादा कुछ है नहीं आपने बस अपना नाम चेंज करके श्रेया रख लेना है भाई आई थिंक नाइनटीन ईयर ओल्ड गर्ल लव्स मी आई एम ट्वेंटी फाइव मेरे हिसाब से अगर आप बड़े हो ठीक है एक एज के बाद ना आपको यंगर लड़कियों से मतलब रिलेशनशिप्स नहीं बनानी चाहिए एक वो होना चाहिए तीन या चार साल का वो होना चाहिए कि हाँ इससे नीचे नहीं करना चाहिए क्योंकि ना फिर मतलब जनरेशनल गैप टाइप की शिट आ जाती है बीच में तो अगर कोई 19 की और आप 25 के हो फैक्ट like कि मतलब उसके आस पास जो लड़के हैं वो आप जैसे नहीं है सपोज फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हो गए या फिर थोड़ा बहुत वैसे उसका बार बहुत लो सैट है भी for men. मत तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी एज का फायदा उठा रहे हो लाल बिदूडी फिटनेस में... में कौन सा गाना था पंजाबी भाई उसका था प्रदीप का मुझे नाम नहीं पता रिशु को पता होगा डोरा दल एक्सप्लोरर जैसी लड़की को कैसे बुली करें भाई मेरे साथ ना ये चीज नोटिस हुई है मैंने बताऊ क्या किया है? मे, 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 मेरे दिमाग में ना कुछ दिक्कत है भाई मैं जब बच्चों को देखता हूँ ना छोटे छोटे बच्चों को मतलब आसपास जब भी कुछ होता है बहुत सारा मतलब क्यूट व्यूट तो है भाई हाँ हेलो आंटी आपका बेटा बहुत क्यूट बट मेरे दिमाग में ना आता है कि भैनचोत की हेलो आंटी क्यूट हाँ इस भाई

Intrusive thought. Intrusive नहीं है भाई क्योंकि इट्स नॉट लाइक मतलब हमेशा आता है इट्स लाइक like अगर ज्यादा गोल मटोल सा बच्चा एंड एवरीथिंग तो मेरे को लगता नहीं यार ये थोड़ा भारी होगा बट अगर उसको देख के ऐसा लगता है ना कि नहीं भाई इसकी मम्मी मतलब ब्रेस्ट मिल्क के साथ थोड़ी सी बचत करती है कि मतलब इसकी मम्मी को लगता है नहीं भाई इतना दूध नहीं देना चाहिए मतलब उसकी मम्मी को ऑकवर्ड लगता है वो वाले जो बच्चे होते हैं ना जिनको देख के लगता है कि मतलब इनको पूरा न्यूट्रिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनकी मम्मी को अजीब फील होने लग गया था बिकॉज ग्रैबिंग यार या क्यों कर रहा मेरे को हेलो भाई लाइव हूँ अबे लाइव हूँ अभी भाई बाद में बात करता हूँ भाई बम्बल पे लड़कियां कैसे फंसा मेरी फोटोज लगा के भाई सेवेंटी एम एम ब्लॉग नहीं निकाल रहा यश भाई आउट टू यश भाई भाई ये हमारे हमेशा हमारे फूसिया के जब भी इवेंट्स होते हैं अर्पित बाला के जब भी इवेंट्स होते हैं देर ऑलवेज देयर नहीं यार अर्पित बाला वाले इवेंट्स पे भी आया करो यार सर फूजी गैंग पे आ जाते हो यार बड़े गंदे हो यार तुम बट हाँ वो जो बच्चे होते हैं ना जिनको देख के लगता है कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला हाँ उनको देख के मन करता है भाई यस सूर्या इस बंदे के लिए एडिट करता हूँ अरे हाँ यार कौ भाई मॉडल लो भाई अरे कैसे करते हैं यार एड मोड ये क्या हो गया यस जिम जाने से पहले बुल्क शुरू कर दूं पता नहीं भाई मैं तो मेन गेनिंग में बिलीव करता हूं भाई डाल हाँ भाई एड डालता हूं तुम पूछो यार मेरे से कुछ तुम मेरे से कुछ ढंकी ढंकी चीज नहीं पूछ सकते क्या बंदी पटवा दो ये पटवा दो मूव ऑन करवा दो बस यही है तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है कुछ ढंग का सवाल पूछो भाई जिसमें थोड़ा दिमाग लगे एक बंदा पूछ रहा भाई इमोशनल लेस कैसे हो आपने बताऊ क्या करना है इमोशन लेस अगर आपने होना ना आपने क्या करना है एक ना फ्रीक्वेंसी होती है वो अपने लेफ्ट कान में बहुत जो पता नहीं उस फ्रीक्वेंसी का नाम नहीं पता शायद से होती है बहुत हाई होती है आपको ना दर्द होने लगेगा और आपको क्या करना है सिर्फ नॉइस कैंसलेशन वाले ईयरफोन्स लेने और सिर्फ लेफ्ट साइड का पहनना है और वो खराब कर देना है अपना एक कान एक साइड से फिर आपने क्या करना है एक ना वो लेनी है ड्रिल वाली जो रॉड होती है ना आगे से पहनी वो लेनी है और अंदर पूरे डालते रहनी है नंबो रखा होगा पूरा कान आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा जैसे वो अंदर जाए ऐसे ऐसे घुमाना है ऐसे ऐसे घुमाना है ऐसे ऐसे जोर जोर से आपके दिमाग में वो थोड़ा थोड़ा लगेगा और ऐसे ऐसे घुमाना है धीरे 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 ठीक है और उसके बाद निकाल देना है उसके बाद मेरे को लगता है कि आप इमोशनलेस तो हो ही जाओगे इसको मतलब ये भाई इस, इस प्रोसेस के लिए एक आदमी को नोबेल प्राइज मिल रखा है भाई भाई फीलिंग स्मॉल नाउ स्मॉल अराउंड पीपल प्लीज हेल्प आदित्य भाई कह रहे हैं पीपल फील बाई फीलिंग करना स्मॉल भाई मैं सही ना इफ यू फील स्मॉल अराउंड पीपल तो ये मतलब कहीं ना कहीं सोशल एंगजाइटी है वही होगी सोशल ऑकवर्डनेस होगी बट आई थिंक दैट गोज अवे वेन यू कम्युनिकेट विद पीपल

अगर आपको ये पता है कि इससे नीचे नहीं गिरना तो आपको पता है भाई कि हाँ इससे ऊपर तो मैं नॉर्मल रह सकता हूँ विथ सॉन्ग ऑफ योर्स यू वॉन्ट टू सी अ डांस वीडियो कुलदीप नाम का लड़का ये है भाई कुलदीप भाई को मैंने बहुत टाइम से अटका के रखा है भाई हमेशा बोलते हैं भाई काम करेंगे म्यूजिक वीडियो में और हमेशा बखचौदी हो जाती है बट uh, कुलदीप भाई महारानी महारानी उस पर भाई लाइफ का गोल क्या होना चाहिए भाई लाइफ का गोल होना चाहिए ग्यारह मुल्कों की पुलिस ठीक है काम ऐसे करो कि आपके ऊपर मूवी बने नेम इज खान समझ रहे हो ऐसे बनो कि आप के ऊपर एक मूवी बने नेम इज खान मतलब इतने बड़े सक्सेसफुल एक्टर हो आप And the only thing that motivates you to make a movie where you're so retarded. I mean, I feel like Shah Rukh Khan made My Name is Khan because somebody, like, you know, probed him and that shit traumatized him so much. He thought, yes, maybe if I act like a retard. They probed him anally and he was like, now I can act like a retard. I'll act like a retard now. Yes. होल पॉइंट ऑफ माई नेम मिस खान अनुस कि मेरे मेरे साथ में मेरे मेरे एप्पल में इन्होंने उंगली डाली अब मैं रीट अब तू देख अब तू देख चैट का है भाई मेरी आट आखेट फ्रेंड uh, जोन से कैसे निकले भाई देखो अगर आप फ्रेंड जोन में फंसे हुए हो या फिर आप फ्रेंड जोन में इसीलिए हो क्योंकि मतलब शी इज लाइक लिटरली योर फ्रेंड नाउ यू ऑल्सो एक्सेप्ट कि आप हर लड़की के साथ आप पर्सनली नहीं ले सकते हर लड़की के मैं फ्रेंड जोन में नहीं हो सकता हूं यू हैव टू एक्सेप्ट कि सम विमेन आर बेटर ऑफ एज फ्रेंड्स यस इवन इफ दे लुक प्रिटी और एनीथिंग एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल टू बी फ्रेंड्स विद दैट वुमन क्योंकि ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ना जो पूरे टाइम ये देखते हैं ना भाई मैं या तो मैं फ्रेंड या तो मैं बेंच हूँ रिलेशनशिप में हूँ या फिर आई हैव नो कॉन्टैक्ट ये लोग सबसे ज्यादा आगे जाके करते हैं वर्क प्लेस हरासमेंट इन लड़कों के ना बस दो ही ठिकाने होते हैं ठेके नहीं नहीं थाने और एच बस एच और थाने स्कॉट और बेंच कितनी है रुक जाओ उससे पहले मैं बताता हूँ भाई तो आई विल से कि अगर आपको फ्रेंड जोन से इतना ना वो मत हो भाई फ्रेंड ठीक है भाई सही अच्छी खासी लिमिट्स हैं बट सपोज करो कि आपको फ्रेंड जोन से निकलना है आप काम ऐसे करो ना कि बंदी को लगे हाँ भाई इस बंदे को मेरे को फ्रेंड नहीं बनाना ही सच ए नाइस गाय एन जी ओ खोल लो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसे भी कमाओगे और उस बंदी को यह भी लगेगा अमीर भी है फिलेंथ्रोफी भी कर रहा है कुछ तो बात होगी इससे मैं बात करती हूं और उसके बाद आप अपने झूठे झूठे ख्याल बताओ कि मैं ऐसा चाहता हूं मैं वैसा चाहता हूं यार जैकलिन फर्नाडेज के साथ भी तो यही हुआ है मैं मजाक कर रहा हूं कर मत देना स्क्वाट और बेंच कितनी है हाँ स्क्वाट में मैं मार लेता हूं भाई सौ एक सौ दस के जी मेरी बेंच खराब है क्योंकि मेरे शोल्डर में इंजरी थी तो आई कैन ओनली हिट लाइक नाइनटी के या एटी फाइव आ <coughs> uh, भाई गांजा वर्थ है क्या नहीं इट्स फकिंग साइकोटिक डू नो वॉट इज साइकोटिक वो मतलब आपके सिस्टम को छोड़ देता है बट आपके सिस्टम को चोद छोड़ के छोड़ता है और सारे ड्रग्स मतलब फ्लश आउट हो जाते हैं बट वो कॉग्निटिवली आपको चोद देता है वो लिटरली गांजे की ये एबिलिटी होती है कि आपकी को वो कर सकता है जाते जाते समझ रहे हो ना तो इट्स नॉट वर्थ इट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मैं गांजा देखता हूं ना मैं क्रिएटिव क्रिएटिव तू नहीं होता है भाई तेरा दिमाग खराब हो जाता है तेरे दिमाग के साथ वो वाली शिटोरी होती है जो बेंटेन ओमनी ट्रिक्स जैसी इसको मिलती है ना ऐसे पेन मारता रहता है भाई तोड़ो इसको भाई कुछ तो होगा कुछ तो होगा कुछ नहीं हो रहा भाई तो खराब कर रहा है ऋषु को बोल पिंड बलूची में मीटअप कर ले या बाउजी ठीक है भाई बोल दूंगा। एक बंदे ने कुछ भेजा भाई डेटिंग अ हॉट फेमिनिस्ट वांट टू ब्रेकअप क्या करूं डेटिंग अ हॉट फेमिनिस्ट वांट टू ब्रेकअप देखो भाई हॉट फेमिनिस्ट देखो हॉट बंदियों को आजकल ना फेमिनिस्ट बनने की जरूरत होती है दिस इज वॉट आई सीन

तो अगर आपको ब्रेकअप करना है तो वही चीज कर सकते हो यार हॉट बंदी है तो मतलब दैट डज नॉट फक यू नो चेंज थिंग्स भाई तुम कुछ भी कर सकते हो मतलब बोल दो यार देखो यार आई डोंट सी जेलिंग वेल टुगेदर आई वॉन्ट टू यू नो मेरे को मतलब कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ मैं मुझे दहेज वहज चाहिए होगी ये वो एंड uh, नहीं हो पाएगा मेरे घर वाले नहीं मानेंगे दस गालियाँ पढ़ेंगी कोई नहीं सह लेना <laughs> भाई लॉ की डिग्री कर रहा हूँ टिप्स दे दे भाई नोट्स बनाया करो क्लास में बैठे बैठे लॉ को आप एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते बेर एक्ट से और वो जो बुक्स होती है ना जो लाइब्रेरी में पढ़ी रहती है क्लासेस से पहले एक बार वो बुक से बस एक पैराग्राफ पढ़ लिया करो कि क्या है तो क्लास अच्छे जाती है अच्छी जाती है क्योंकि लॉ में ना बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो सर के ऊपर से चले जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी टर्म्स थ्रो करे जाते हैं इट्स इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आप वो वो चैप्टर पहले से ब्रश ऑफ कर रखा है आपने पहले से यार सूर्य भाई अगर आप मैंने आपको मॉड बनाया तो आप इसका गलत फायदा मत उठाओ आप मॉड हो चैट रेगुलेट करने के लिए समझ रहे हो आप यहां पे आके अगर आप हो के ये सब करोगे तो फिर अर्पित भाई <laughs> सॉरी भाई अरे कोई नहीं ले रहा हूं अर्पित भाई ये वूशैंक क्लैन कौन सा क्लैन है भाई ऐसी बस बना दिया भाई कुछ वो नहीं था मेरे को दिहाड़ी लगानी होती है उसमें से आज टिप मिली थी तो ये ले लो अरे थैंक यू स्मोक भाई मीन अ लॉट मेरा भी सेम सिस्टम है भाई। भाई भाई, तुम पूछो भाई मेरे से भाई, अपनी ना कोई प्रॉब्लम लेकर आओ भाई अगर तुम्हारे को कोई ऐसा ओपिनियन चाहिए एक प्रॉब्लम पे जिसको तुम सुन के बस बोलो कि शिट भाई मैंने काश काश मतलब मैं ना मैं उसका ऐसा सोल्यूशन देना चाहता हूं कि आप उसके बारे में सोचो और आपको लगे कि भाई ये प्रॉब्लम है भी या फिर मैं बस ज़्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि जिस बंदे ने इसके बारे में सोल्यूशन दिया आई डोंट थिंक दैट इट्स वर्थ इट टू इवन थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम एनी मोर एक बंदे ने गाना बनाया जिमी टू पैक खुफिया अच्छा टू पैक खुफिया बड़ा चटक गाना लग रहा है भाई आई होप इट्स वर्थ इट रुकना जरा भाई रुको भाई एक मिनट गिव मी अ सेकंड मैन गिव मी अ सेकंड भाई मेरे को ना एक तो मुट्ठी बहुत जोर से आ रही है भाई ये देखो क्या है ये मेरे को सुनाना चाहिए सिम्बा को जब मैं उसको कुत्ता घुमाने के लिए लेकर जा रहा था ना जिम्बा को और आसपास ज्यादा कुत्ते आ जाते हैं मैंने नेक्स्ट स्टोरी डाली थी एक मुंबई में एक सिम्बा खो गया भाई ये जो पीछे आवाज आ रही है इसी की है ठीक <laughs> गाना था भाई नाइस आई गेस सो लेट्स गो ये क्या बजा दिया मैंने लेट्स गो बंदे ने सुनना अभी स्टार्ट किया रेज म्यूजिक सही है नाइस स्पेशली पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू लाइक यू नो एक्सपेरिमेंट आई लाइक दिस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस आई लाइक इट वेरी गुड वेरी गुड आई वुड गिव दिस सॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर आउट ऑफ टेन वॉट आर डॉक्ट ही गिविंग वॉइस सैम्पल्स फॉर जिमी टू पै कु भाई गवर्नमेंट जॉब करता हूं पैसा है मेरे पास बट इन्वेस्टमेंट कहाँ करू अपने ऊपर करो स्निक्स जूते ड्रिप सब खरीद लो कसम से कह रहा हूँ आई ऑफिसर्स पे बिल्कुल ड्रिप नहीं होती यार बहुत फॉर्मल फॉर्मल रहते हैं ड्रिप वाला आई एस ऑफिसर बनो साउथ डेली की किरण बेदी यस yes. भाई विदेश से वापस कैसे आए आपको बताऊँ क्या करना है किसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट कोई पुलिस स्टेशन कोई ऐसी जगह जहां पे मतलब कुछ है कि मतलब उसका कोई वो है वैल्यू है जैसे इंडिया में इंडिया गेट हो गया आपको क्या करना है बाहर की जैसी जो लोकेशंस होती है ना और टाइमिंग्स पे जाना है और एक कैमरे के साथ उसकी फ़ोटोज़ खींचनी है बहुत सारी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचनी है अलग अलग एंगल्स से ठीक है रोज आके फिर आपने क्या करना है बड़ा सा एक वॉकी टॉक ही लेना है और टाइमिंग्स पे वहां पे भागते हुए चलना है और बस बोलना है यस 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 मैं आ चुका हूं आ चुका हूं आ चुका हूं हो जाएगा आज ये हो जाएगा फिर आपने क्या करना है एक ना प्लान बनाना है पूरा का पूरा ऐसे चार्ट पेपर बनाना है और अपने कमरे में लगाना है उसकी ना फोटोज़ डालनी है और नीचे कैप्शन डालना है इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल और उसको इंस्टाग्राम पर डाल देना है आई विल मतलब जिस तरीके से करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट हो रखा है विद रिगार्ड्स टू लाइक इस्लामोफोबिया फोबिया एंड एवरी थिंग थ्रोन आउट वेंट थ्रू द मोस्ट वर्स्ट ब्रेकअप वेंट थ्रू द वर्स्ट ब्रेकअप ऑफ माई लाइफ इन ट्वेंटी ट्वेंटी स्टिल आई मिसर ये तो होता है भाई नो अमाउंट ऑफ आक इन सक्सेस मॉनिटरी और एनीथिंग विल लाइक यू नो वो एक तरीके से लाइक हेल्प यू गेट ओवर बट दी थिंग दैट विल इज द बिलीफ कि मतलब आई विल से द होल प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑन इज मोर अबाउट फोकस फोकस उसके ऊपर कि मतलब आप क्या कर रहे हो अगर आप अपने आप से ये बोलोगे ना नहीं मेरे को उस बंदी के बारे में नहीं सोचना तो आप सोचोगे इट्स लाइक डू नॉट थिंक ऑफ अ रेड रेड वैगनार आ रही है ना आपके दिमाग में एक लाल रंग की वैगनार

पर मेरे को ना इस बात का बुरा नहीं लगता कि भैंसू चली गई या फिर ऐसा मेरे को इस बात का बुरा लगता भैंसू मैंने सुनाया क्यों नहीं वापस सिर्फ मैंने सुना ही क्यों उस दिन बट खैर ये तो रहता है ऐसे कुछ रिग्रेट्स होते हैं आई फील लाइक उस दिन ना आई वॉज लाइक कि हाँ लेट मी बी द बिगर मैन मैं सह लेता हूं बट अब जब मैं सोचता हूँ ना आई शुड फक दैट मेरे को सुनाना चाहिए था नेक्स्ट ब्रेकअप आई एम गोइंग ऑल इन आई एम कॉलिंग नेम्स आई एम कॉलिंग हर मदर आई एम कॉलिंग हर सिस्टर आई एम कॉलिंग हर डैड एंड शिकायत ये भी नहीं कि आपकी बेटी ये ऐसी छोटी मोटी शिकायतें आपकी बेटी चिंदी है आपके पैसे ऐसे ऐसे, ऐसे मारे उसने जब भी मैं पिछली बार मिला था तो वो आपके वॉलेट से आया था आपके दो तीन हजार गायब थे वो यहां पे थे हाँ और उसके कमरे में जाके देखो यहाँ पे यहाँ पे वो मसाजर नहीं है वो चोर है शेट लाइक दिस स्निच ऑनर कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स उसके घर पे अलग अलग आई से हर हफ्ते और अजीब अजीब चीजें जैसे कि उसके घर वालों को लगे कि मतलब कौन है ये कभी फ्लावर्स भेज दिए कभी कुकिंग सेट भेज दिया कभी फोन भेज दिया शिट लाइक दिस एंड इट्स नॉट नथिंग अबाउट यू लाइक टॉक्सिक बिकॉज मैं ना थक चुका हूं ऐसा बन के कि हाँ भाई ब्रेकअप पे मैं सुन रहा हूं हाँ वो बोल रही है नेक्स्ट टाइम आई गो ऑल गो ऑल इन आई गोइंग ऑल इन खराब करना भाई सीन खराब करना भाई वन के वॉचिंग पे कुछ स्पेशल करोगे या नहीं वन के वॉचिंग अगर जिस दिन हो गई उस दिन भाई मैं मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि एक हजार लोगों को लगा कि हाँ भाई ये बेकार जगह पे हम लोगों को बैठना चाहिए दो साल हो स्टिल हैं आती है अबे तो क्या हो गया भाई क्या हो गया आती है भाई डील विद इट इट्स ओके कोई नहीं ये तो नहीं बोल रहा तेरे को कि भाई मत याद कर कर भाई बट कीप इट इट्स ओके होता है भाई होता है यही है भाई आई डोंट थिंक आई डिजर्व लव हाउ शुड आई कीप ऑन लिविंग हाउ शुड आई कीप ऑन लिविंग मतलब भाई मैं तो ये बोलूंगा कि मतलब आपके ना मतलब आई वुड से कि बुरा मानना बट अगर आप आई वुड से मतलब आपके थोड़े डिप्रेसिव एपिसोड ज्यादा आ रहे हैं आई थिंक यू शुड कॉन्टैक्ट योर क्लोज वंस साइन योर विल टेल देम कि आप क्या चाहते हो अपनी पुश्तैनी जमीन का जो आपके आपके हिस्से में है उसके बारे में एन एवरी थिंग और uh, अगर आपने अपना मन बना ही लिया है तो बट अगर आपको सही में कुछ हेल्प चाहिए तो फिर टॉक टू अ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यू डोंट डिजर्व लव और एनी सबके लिए होता है भाई ऐसा कोई नहीं है भाई कि आई डोंट मतलब अफकोर्स एक्सेप्शन होते हैं कुछ लोग होते हैं दैट दे डू नॉट डिजर्व लव डोंट दे डोंट बेकार नहीं भाई मस्त जगह पे बैठे हैं <laughs> नोएडा वाला एक्सप्रेस वे नहीं जहाँ यमुना <laughs> <laughs> यमुना का घाट है भाई हाइट कैसे इंक्रीज करें पहले आपको बिलीव करना है कि आप सिक्स फाइव हो। समझ रहे हो इफ यू आर द टॉलेस्ट इन द रूम लीव द रूम इफ यू आर द टॉलेस्ट इन द रूम लिव द रूम सेल्फ विद टॉल पीपल एंड नो यूलिंग इन यू एज वेल सराउंड यूर सेल्फ विद पीपल एंड आइडियाज दैट मेक यू फील टॉलर जिस दिन डॉक्टर बन गई इन अबाउट अ मंत्रो दो हजार की सुपरचैट पक्का देख रहे हो डॉक्टर लोग मेरे सेशंस में आके मुझे पैसे दे रहे हैं नॉट दी अदर वे अराउंड बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ये मिलता है भाई मौका This is my impression of a हरियाणवी पुलिसमैन। एक मिनट रुक जाओ I don't know why I accidentally see her whenever I'm over with Bibi सेज कि भाई वो भाई मैं तो ये बोलूँगा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली फिलोसफी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अवॉइड हर फिजिकली बट अभी छोड़ो मेरे को आपसे कुछ बात करनी है दिस इज माई इंप्रेशन ऑफ अ हरियाणवी पुलिस ऑफिसर हु इज रियली इंटरेस्टेड इन लाइक यू नो लेटरी ड्यूरिंग चलान राज चौधरी गाड़ी रोकियो या कि पोटी चैकर रा डिगी गोल पोटी दी लाइसेंस है तेरे पे पोटी गा पीण चो न भरू से गाडी में अरे चौधरी तुम तो दिया भाई यार पोटी दी रुक जाओ एक मिनट लड़की पटानी की वो नेक्स्ट टाइम आफ्टर दैट ट्रॉमा बिल्कुल भाई मुझे तो अब पटना है भाई मुझे पटाओ मुझे पटाओ मैं क्यों बटाऊ मैंने इतनी मेहनत कर ली अब मुझे लगता है अब मुझे पटाओ तो मैं क्यों बटाऊ इतनी मेहनत तो जो मैं कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं कि बाद मैं और मेहनत करूं ये पूछ लू कि आई एम वर्थ यू ना तू कर भाई मैं वो बंदा बनना, बनना चाहता हूँ जो मतलब बस क्लब में फालतू में एटीट्यूड में अकेला बस बैठा हुआ है फोन में ऐसे कॉन्टैक्ट ऊपर नीचे कर रहा है हनी सिंह को जानती है एक्चुअली मेरे दो दोस्त हैं जो उसके साथ काम करते हैं जो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते या कैरी मिनाटी को जानती है या <laughs> yeah. से मेरी फिओंसे के साथ सेक्स किया था ये बनना भाई भाई फोर चैन पे एक्टिव है नहीं भाई अब नहीं हूं मेरा दिमाग खराब हो गया है फोर चैन कर करके बहन जो दो हजार सत्रह मैं सही बताऊ दो हजार पंद्रह से लेकर दो हजार उन्नीस सड़ गया भाई मेरा दिमाग फोर चैन कर करके सड़ गया भाई मेरा दिमाग पहले कुछ टाइम तक सही था कि मजा आ रहा था फिर भाई मेरे को लगा कि भाई ये सब ये लोग ना मजाक में नहीं बोल रहे हैं भाई मतलब बताऊं कैसा फील हो रहा था कि तुम लोग बैठे हो और एक, एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को गाली पड़ रही है तुम लोग मस्ती में कर रहे हो हाँ 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 फिर वो दस हो जाते हैं फिर वो बीस हो जाते हैं फिर वो चालीस हो जाते हैं पचास हो जाते हैं और मजाक बस मजाक बढ़ता रहता बढ़ते रहता है फिर तुम्हारे को लगता है भाई हम लोग मॉब में है क्या <laughs> भाई हम कुछ मॉबिंग होने वाली है क्या भाई यहां पे लिंचिंग करने जा रहे हैं क्या हम भाई उस पॉइंट के बाद मेरे को अजीब लगने लगा ना लेफ्ट इट भाई ऐसी आई नहीं मैं देख रहा हूं नहीं आई नहीं आई भाई मैंने देख लिया ऐसी चलो भाई बंदी करते हैं मेरी ना गांड फट रही है मेरे भैनचू एक घंटे से मुंह तो रोक के बैठा हूँ भाई बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा भाई मुझे प्लीज़ चलो ठीक है कोई नहीं रुक जाते हैं फोर चैन क्या है भाई कुछ नहीं है बेकार चीज़ है मेरे से नहीं होगा मैं नहीं कर सकता भाई फोर चैन एंड एक टाइम तक मेरी जिंदगी में अच्छा पार्ट था वो जब भाई मेरे को पता था कि हाँ भाई

नहीं है मतलब अच्छी जगह है इट्स फन बाई इट्स फन वेन लाइक इट वॉज फन वेन इट टिल इट लास्टेड आई गैस बट नहीं अब नहीं बालाजी बेस्ट बाई बायो, बायो बता को बंदी को क्रैक करने के लिए बेस्ट बायो बता कोई बंदी को क्रैक बायो से कैसे मतलब तू क्रैक कर सकता है भाई बंदी को नितिन सर्स यू मिस्ड माय सुपर चैट यू आर सो ओवर थैंक यू भाई दो दो कनेडियन डॉलर के लिए बट यार सॉरी अगली बार नहीं होगा भाई नितिन भाई <laughs> रूम मेट शीट में हिलाते हैं क्या करूं भाई मेरे को मैंने आज तक नहीं समझ पाया लोग बिस्तर पे कैसे कर लेते हैं ये सारे काम भाई मेरे से होता ही नहीं मैं बिस्तर पे लेटूँ भाई खिड़कियाँ हैं खिड़कियाँ है, मेरे को 24 घंटे लगता है कि भाई मैं अगर कुछ कुछ उल्टा भाई मैं बाथरूम से आता हूँ मैं मैं तौली में बाहर नहीं निकल पाता हूँ भाई मेरे को कपड़े अंदर जाके बाथरूम में गीले फर्श पे पहनने पड़ते हैं ये पर्दे ट्रांसपेरेंट लगा रखे हैं पता नहीं क्यों नहीं पाता भाई

दोस्त बंदे पे चीट करती है और मुझे बताती है दोस्त बंदे पे चीट करती है और मुझे बताती है हम्म। hmm. उसकी कोई फैंटेसी है नहीं क्योंकि आई डोंट नो भाई बट मतलब सुन ले भाई और क्या बोलू दूसरी पटा लेता हूँ नहीं तो पैसा तो साथ है ही नहीं यार आप अपनी जिंदगी में बस ये सब मत करो भाई कि बंदी पटानी बंदी पटानी ना ट्राई टू फाइंड समथिंग वेर यू कैन ऐड वैल्यू समझ रहे हो ट्राई टू फाइंड समथिंग जिसके अंदर यू फील लाइक कि हाँ यहाँ पे मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यूएबल होगा चौबीस घंटे स्पाउस ढूंढना ये ढूंढना कोई चाहिए ये वो नहीं भाई ये ना आपका बहुत प्रिमिटिव दिमाग है मैं अकेला हूँ मुझे मुझे जल्दी से प्रोक्रिएट करना है नहीं तो रात में मैं में, मेरे, मेरी वंशज खत्म हो जाएगी ये सब नहीं करना भाई हम लोग बहुत आगे चले गए हैं अब दोस्त कैसे बनाए मैं आपको बताता हूँ सबसे इजी तरीका दोस्ती बना दोस्ती करने का होता है आपने क्या करना है अपने एक दो दोस्तों को बुलाना है बोलना है कि भाई तुम पचास दो मैं पचास देता हूँ और उसके दोस्त को बोलो पचास दें अब आपके पास हो गए एक सौ ठीक है अब आपने क्या करना उनको बोलना अपने दो चार दोस्तों को और बुलाओ वो सारे इसमें पचास पचास जोड़ देंगे अब आप सबके पास हो जाएंगे भाई अच्छे खासे पैसे अब पैसा इन्वॉल्व है तो भाई दोस्ती तो बनी रहेगी हाँ भाई क्या चल रहा है एवरी थिंग कहाँ पे है पैसे और फिर भाई जब पैसे ऐसे जब पैसों से जुड़ जाते हैं ना तो मतलब हो जाती है एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है तो आपने क्या करना है फिर आपने स्टार्ट करना है कि आप दो एक्स्ट्रा लोग लेके आओ वो पैसे जोड़ेंगे इसमें ठीक है फिर आपने क्या करना है कभी किसी को कोई दिक्कत होती है कुछ होता है तो इसमें से पैसे आप उठा लेना ठीक है तो उसके बाद क्या करना है अगर आपको अपनी दोस्ती चेक करनी है कि ये आपके कितने अच्छे दोस्त हैं तो आपने क्या करना है एक बारी क्योंकि सारे पैसों का अकाउंट आपके पास आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देना एक हफ़्ते के लिए अगर वो आपके घर के पास आ गए आपके घर के नीचे आ गए गाली बकते हुए ये समझ लो कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं वो आपका भला चाहते हैं भाई वू शेंग के बिना दिन शुरू नहीं होता आजकल बाय द वे मेरे इस चैनल पे एक वीडियो है ब्लैक फोटो वाली देख ले एक बार देख लूंगा भाई रुक जाओ अभी मैं बंद ही कर रहा हूँ भाई मेरे को शू शू आ रही है भाई बहुत जोर से पिरामिड स्कीम कौन बोला कौन बोला पिरामिड स्कीम कौन बोला पिरामिड स्कीम नहीं है भाई ये पिरामिड स्कीम कौ... किसने बोला ये किसने बोला पिरामिड स्कीम पुल्स पुल्स कहाँ पुल्स भाई भाई आईब्रोज बनाता है क्या हाँ भाई ट्रिमर से बनाता हूँ शोज से पहले बड़ी गंदी सी आती है मेरी आईब्रोज कि हाँ भाई, भाई पिरामिड स्कीम नहीं है हैं भाई अर्पिता लव यू सो मच ऋषभ को अपना कुत्ता बना लो <laughs> ठीक है भाई चलो भाई अच्छा था भाई अभी ना मैं बंद कर रहा हूँ बहुत जोर से शू शू आ रहा है भाई बाय गुड नाइट